हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेनिफर गौर ज्ञान हब। मैं सर मिस प्रिया एंड आई एम हियर विद माय क्लास 10th वीडियो। द सब्जेक्ट इज हिस्ट्री एंड द चैप्टर नेम इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड इन दिस होल चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट यही होगा कि नेशनलिज्म इन यूरोप। मैंने आपको इससे पहले नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाया इसलिए बिकॉज कहीं ना कहीं हम जब खुद से रूबरू होते हैं तभी हम दूसरे के बारे में कोई धारणा व्यक्त कर पाते हैं। तो हमने देखा था कि नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले, क्या क्या चैलेंजेस हमारे स्ट्रगलर्स ने एक्सेप्ट किया और देन वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। इन द सेम वे इन दिस चैप्टर ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द नेशनलिज्म कम्स इन यूरोप एंड हाउ इट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ द अदर्स एंड द सर्वाइवर्स एंड हाउ दे गॉट फ्रीडम। तो पहला टॉपिक ये है कि नेशनलिज्म इन यूरोप में अगर हम बात करते हैं तो नेशनलिज्म इन यूरोप में सबसे पहले हम रखते हैं फ्रांस, देन आफ्टर दैट आपका आ जाता है जर्मनी, उसके बाद आ जाता है आपका इटली एंड देन ब्रिटेन। ओके, तो यूरोप की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट अ कॉन्टिनेंट। ओके, बट नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने कॉन्टिनेंट्स में क्योंकि हमने वहां पे एक देश के बारे में बात किया था। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्टिनेंट। तो फ्रांस को मैंने पहले रखा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारा चैप्टर वो क्लास 9 का जो हमारा पहला चैप्टर था रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उससे इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे पहले रेवोल्यूशन वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, क्रांतिकारी आई कहाँ से, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की जो क्रांतिकारी रही वो सबसे इंपॉर्टेंट रही और यहीं से क्रांतिकारी वर्ड स्टार्ट हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग यहीं से आना स्टार्ट हुई और कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हम इस वीडियो में जानेंगे, अपने आने वाले चैप्टर में हम ये जानेंगे कि नेशन स्टेट्स जो थे आपके, है ना, जो हमारे क्या थे, नेशन स्टेट्स थे, उन्होंने कैसे रिप्लेस किया था, किनको रिप्लेस किया था नेशन स्टेट ने, उन्होंने रिप्लेस किया था डायनेस्टीज को। डायनेस्टीज मीन्स मोनार्कियल सिस्टम को उन्होंने कैसे रिप्लेस किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो थिंग्स जो चीज़ें थी वो कैसे इवॉल्व हुई और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ा यूरोप कॉन्टिनेंट को, एंड आफ्टर डैट जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये पिक्चर। ओके, तो जब हम बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ नेशनल स्टेट की, नेशन स्टेट्स की, तो उन्होंने किसको रिप्लेस किया था, मल्टी नेशनल डायनेस्टीज एम्पायर्स को। किनको किया था उन्होंने, मल्टी नेशनल, है ना, मल्टी मल्टी नेशनल डायनेस्टीज एम्पायर को उन्होंने क्या किया था, रिप्लेस किया था। नेशन स्टेट्स क्या होते हैं, जब हम किसी देश को स्टेट में और स्टेट की वाइज हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्क करवाते हैं। तो नेशन स्टेट्स ने किसको रिप्लेस किया, मल्टीनेशनल डायनेस्टीज को रिप्लेस किया। तो जो आपकी चैप्टर की शुरुआत हुई है वो आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं, ये एक पिक्चर से हुई है, ठीक है ना। अब इससे बहुत से क्वेश्चंस पुट अप होने वाले हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में। तो चैप्टर की शुरुआती हुई है एक पिक्चर से और उस पिक्चर को बनाया किसने, फ्रेडरिक सोरी ने इन 1848। इस पिक्चर को फ्रेम किया है फ्रेडरिक सोरी ने, ठीक है, फ्रेडरिक सोरी ने किया है इन 1848, ठीक है ना। और इन्होंने जो थीम दिया था या फिर कह सकते हैं इस पेंटिंग को जो उन्होंने एक शॉर्ट वर्ड में जो समराइज किया था वो ये था, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। की उन्होंने एक जो सपना देखा है, किस चीज़ का सपना, कि पूरे देश में, पूरे विश्व में, वर्ल्ड वाइड एरियाज में डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक, ठीक है ना, सामाजिक तौर पर उन्हें रिपब्लिक और डेमोक्रेसी देखने का उन्होंने जो सपना देखा उन्होंने उस पेंटिंग के थ्रू इसे व्यक्त करना चाहा है। तो इस पिक्चर की एक एक पॉइंट को मैं डिफाइन कर देती हूँ कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। तो हमने देखा कि जीसस क्राइस्ट है, उन्होंने क्रॉस लिया हुआ है, प्लस उनके चारों तरफ कुछ सेंट्स हैं, कुछ एंजल्स हैं जो हमें दिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं वो इस पेंटिंग को दर्शाना चाह रहे हैं कि ये जो पेंटिंग पूरी शो हो रही है उस पर उन्होंने एक ब्लेसिंग बना रखी है, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पहले ही है ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी,
ठीक है ना, आप अपने बुक से इसको मेंटेन करते रहेगा, देखते रहेगा। ये आपकी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो ये क्या शो कर रही है? वो ये शो कर रही हैं कि उस समय अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड की अगर हम बात करते हैं तो वो ऑलरेडी फ्रीडम में थे, वो ऑलरेडी फ्री हो चुके थे, नेशनलाइज्ड हो चुके थे, नेशनलिज्म वहाँ पे आ चुका था, इसलिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को रखा गया है। और अगर हम इनके हाथ की बात करते हैं तो आप गौर से देखेंगे तो इनके एक हाथ में क्या है? लैम्प में क्या है? लैम्प क्या शो कर रहा है? इनलाइटमेंट शो कर रहा है। और प्लस जो ये इन्होंने एक बुक ले रखी है वो क्या है? चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन। किस चीज़ का चार्टर उन्होंने रखा है? राइट ऑफ मैन, जो हमने पढ़ रखा था, राइट ऑफ मैन, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्राइस्ट और एंजल के बाद जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कहीं ना कहीं सिम्बलाइज कर रही है कि अमेरिका फ्री हो चुका था उस टाइम, और इन्हीं से चीज़ें क्या थी, इंस्पिरेशन होकर चीज़ें आगे बढ़ रही थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की अगर हम बात करते हैं हाथों की, तो उनके एक हाथ में लैम्प है जो इनलाइटमेंट, जो प्रकाश को शो करता है कि आगे बढ़ने के लिए हमें इंसाइट करता है। और दूसरी चीज़ है चार्टर ऑफ मैन, चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन का उन्होंने एक बुक ले रखा है। ओके, इसके बाद जो हमें सबसे पहला दिख रहा है वो है झंडा दिख रहा है, और एक जो लोग हैं वो एक दूसरे के पीछे चले आ रहे हैं, वो डिफरेंट एजेस के हैं, डिफरेंट क्लास के हैं, पर वो क्या है? एक संघ है, जो कहीं ना कहीं एक यूनिटी शो कर रहा है। क्या? कि वो किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, छोटे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, प्लस वो किसी भी क्लास ग्रुप के हैं, जैसे वो अपर क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, ठीक। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिली वो यहाँ पे ये थी कि सबसे पहले आगे कौन है? फ्रांस। फ्रांस का झंडा हमें दिख रहा है, ट्राइकलर झंडा हमें दिख रहा है ना, ट्राइकलर फ्लैग हमें दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं सिम्बलाइज कर रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कहाँ पे है? वो आगे साइड पे, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे नेशनलिज्म, यहाँ पे रेवोल्यूशन आ चुका था, तो इसलिए फ्रांस क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। अगर आपको याद होगा तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फ्रांस, जर्मनी, इटली, देन ब्रिटेन। तो सबसे पहले क्या है? फ्रांस है। इसके बाद क्या है? जर्मनी। जर्मनी के झंडे की पहचान क्या है? ब्लैक, रेड एंड देन गोल्ड, येलो गोल्ड कलर होता है, ठीक है ना। तो ये कलर हो गया। इसके बाद हमारा क्या है? इटली, एंड इटली के बाद हमारा क्या आ रहा है? ब्रिटेन। और उसके बाद भी उसके और भी जो एरियाज हैं उनको भी हम धीरे धीरे आगे आने वाले चैप्टर में हम क्या करेंगे, आने वाले वीडियोज में हमने कवर अप करेंगे। तो पहली चीज़ थी क्राइस्ट, दूसरा चीज़ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तीसरा चीज़ था जो जो लोग अपने झंडे को, अपने देश के झंडे को लेकर चल रहे थे, जो कहीं ना कहीं एक शो कर रहा था, क्या? यूनिटी शो कर रहा था कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन सब संघ में चल रहे हैं, वेदर ऑल दो दे आर बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट क्लास, बट स्टिल दे आर वॉकिंग इन अ सिंपल, इन अ सिंगल वे। ओके, जो लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि अगर आपकी ध्यान यहाँ पे जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं ना, ये कुछ यहाँ पे टुकड़े पड़े हुए हैं। तो वो क्या दिखा रहे हैं? ये जो किंग्स थे, जो किंग थे, जो किंगशिप जो चली आ रही थी, उनके कुछ टुकड़े पड़े हुए, उनके किंगडम के कुछ के क्रोन्स पड़े हुए कुछ वो। तो यहाँ पे क्या दिखाया है? एंड ऑफ मोनार्की सिस्टम, एंड ऑफ मोनार्की सिस्टम, ठीक है ना, एंड ऑफ मोनार्क। क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि नेशन स्टेट्स किस में हुए थे, नेशन स्टेट्स को, नेशन स्टेट ने किसको तब्दील किया था? डायनेस्टीज को, ठीक है ना, डायनेस्टी को डाइवर्ट किया था, कन्वर्ट किया था। तो जाहिर सी बात है जो मोनार्कियल सिस्टम की जितनी भी पहचान थी, जितनी भी चीज़ें थी, वो क्या हो गई? चकनाचूर होके ज़मीन पे गिर गए। तो ये एक पिक्चर थी जिसको फ्रेडरिक सोरी ने बनाया था 1848 में, और इन्होंने इसलिए नाम दिया था क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि ऑल दो जर्मनी को लिबर्टी ऑफ स्टैचू के पास, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास दिखाया गया, बट एट दैट टाइम इवन जर्मनी पूरे तरीके से नेशनलाइज नहीं हुआ था, जर्मनी नेशनलिज्म की तरफ था ही नहीं, बट स्टिल व्हाट दे हैव नोटिस, दे हैव सीन दैट कि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास है। इसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस रहा है कि इसलिए इनको, उन्होंने अपनी पेंटिंग का जो एक थीम दिया था वो ये था, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उन्होंने जो सपना देखा था, और सपने में हम कुछ भी देख सकते हैं जिसे हम हकीकत में देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो कि एक नेशन स्टेट ने किसको रिप्लेस किया, मल्टीनेशनल डायनेस्टी को रिप्लेस किया, एक पेंटिंग से आपकी शुरुआत हुई। इस पेंटिंग से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं, एंड आई होप आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड स्टिल इफ़ यू गाइस आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, एनी वर्ड, मेक श्योर टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।